चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड है। मियां बरादरान ने ऑफशोर कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आए तफ्तीश दबा दी गई। मरियम नवाज का बड़ा किरदार है, पूछे तो कहती हैं दादा जान को पता होगा। 10 से 15 साल में लिए गए कर्ज की वजह से मुल्क इस हाल में है। हुकूमती वजीर शहजाद अकबर ने माशी बदहाली का इल्जाम फिर साबिक हुक्मरानों पर डाल दिया। कहते हैं बैंकों से लिया गया कर्ज वापस नहीं किया गया। काजी फैमिली के नाम से पाकिस्तान में अकाउंट खोले गए। सलमान शहबाज से पहले सारा काम इसहाक डार करते थे। इसमें असल में चौधरी शुगर मिल में हुआ क्या, इशू क्या है, इसमें क्या करप्शन हुई या क्या इसके अंदर है? ये तो शुगर बनाने वाली एक मिल है, उसके अंदर क्या केसेस हैं? तो उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपको बड़ी कोशिश करूँगा कि है तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत बड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग भी है इसके अंदर, करप्शन भी है, किकबैक्स भी हैं। काजी फैमिली आपको पता है कि सागदार इसके डसे हुए और नवाज शरीफ साहब के डसे हुए हैं, उनके नाम पर पाकिस्तान में अकाउंट्स खोले जाते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो कंपनी को जाहिर करके खुद वजीर आजम होते हुए आपने कर्ज लिया नेशनल बैंक और मेहरान बैंक से, और वो कर्ज मजे की बात यह है कभी वापस नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनका भी तकरीबन अदम तालुन है इसके अंदर, क्योंकि वो कहती मुझे तो कुछ पता नहीं है, दादा जान को पता होगा। इसहाक डार बहुत अहम, चूंकि उन्होंने सारा काम पहले तो यही करते थे सलमान शहबाज से पहले, वो भी आजकल लंदन में मुकीम है, उनकी वापसी के लिए भी हम तक वो कर रहे हैं। आज जिस जगह ये मुल्क खड़ा है वो उन बैरूनी कर्जों की वजह से है, जो आपने पिछले 10 से 15 सालों में उसका हुजम इतना बड़ा कर दिया है कि अब आपके मुल्क की मईशत के अंदर सकत नहीं थी उसको मैच करने की।